नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नव में। मैं मुकेश चौरसिया। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार लाइव नव की पूरी टीम आपके सुखमय और रोग मुक्त साल की कामना करता है। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, यही हमारी कामना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मां की पुण्यतिथि के मौके पर सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव हरनौत प्रखंड के कल्याण बिघा पहुंचे। 1 जनवरी को जहां उन्होंने माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर स्मृति वाटिका में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि में परिवहन मंत्री शीला मंडल, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा सांसद के अलावा कई विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से युवाओं में काफी जोश और उत्साह भर गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करने वाले व्यक्ति हैं। भाजपा का काम है अफवाह फैलाना, लेकिन हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। वहीं ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार ने लालू प्रसाद यादव और स्पीकर के मिलने के सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद यादव और स्पीकर एक ही पार्टी के हैं। नव वर्ष को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हुई, लेकिन इसको लेकर भाजपा के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है और मीडिया को नियंत्रित करके भाजपा ये काम कर रही है। मीडिया के माध्यम से भाजपा भ्रम फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। आप भी देख रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिए कि जब वो कार्यक्रम में आए हैं तो यहाँ की जनता में कितना विश्वास है उनके प्रति, और आज जब उन्होंने कार्यभार संभाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो सब लोग में बहुत उत्साह है, बहुत खुश है। और इन पे तो सब पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता विश्वास करती है इन पे। ये तो विश्वास का एक दूसरा नाम नीतीश कुमार है। बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, बेचैनी किसमें बढ़ी है, क्या बढ़ी है, ये तो अलग बात है। हम लोग अपना क्या करते हैं, हमारे माननीय नेता जो है न्याय के साथ विकास करने के जनक है, वो समझ लीजिए। हम लोग जो सब वो लोग बात करता है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। नहीं, स्पीकर हैं और स्पीकर जिस पार्टी के हैं उनके नेता से नहीं मिलेंगे। हम लोग अपने नेता से नहीं मिलते हैं, सब लोग अपने नेता से मिलते हैं। और नए साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है, इसमें शुभकामना देने के लिए लोग आते रहते हैं। तो अटकल का बाजार गर्म करने वाले भाजपा का तो ही काम है दुष्प्रचार करना, और दुष्प्रचार करके मीडिया को नियंत्रण में रखना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का करता रहता है। और जो बात नहीं होने वाला है वही सब मीडिया के माध्यम से जनता में भर्म पैदा करने के लिए कुछ न कुछ चलवाते रहते हैं, जिससे जनता भी बेचारी कुछ भर में पड़ने वाले पड़ जाते हैं। बाकी सब तो जानते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। और अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट डिजिटल पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।